दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आज की चार लेटेस्ट खबरें लेके आए हैं। तो क्या है खबरें, ये जानने के लिए बने रहे हैं आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो की जो पहली खबर है वो उन सभी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए डाक विभाग की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है और ये लेटर आपके सामने है। और इसमें डाक विभाग ने सभी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपने अभी तक आपका जो मोबाइल है वो अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो हम जल्दी से जल्दी अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा दें। और साथ में ही सभी जो सर्किल हेड्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोत्साहित करें जिससे वो अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ में सीड करवाएं, और उसके बाद में उनको इंटरनेट फैसिलिटी का सुविधा भी दी जाएगी और उसके बाद फिर जो SMS अपडेट की जो फैसिलिटी है उसका लाभ भी कस्टमर्स को दिया जाए। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है। जल्दी से जल्दी आप अपना जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाएं और SMS फैसिलिटी और इंटरनेट जो फैसिलिटी है उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, दूसरी खबर हमारे उन सभी सब्सक्राइबर या फिर जो दोस्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं, और भारतीय रेलवे में वो एज ए वकील के रूप में काम कर रहे हैं। किसी जो लीगल कार्रवाई है उसमें यदि भाग ले रहे हैं तो उनको भी अब बाकी जो रेलवे स्टाफ है उनकी तरह 10,000 रुपये हर साल के हिसाब से जो ड्रेस अलाउंस है उसका भुगतान किया जाएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से 21 दिसंबर 2018 को सभी जो जनरल मैनेजर्स हैं उनको लेटर लिख दिया गया है। दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है और ये जुड़ी हुई है LTC से। तो इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से 18 दिसंबर 2018 को एक लेटर जारी किया गया है सभी जो PCDAs हैं, CDAs हैं, PCAs हैं उनको। और इसमें LTC के संबंध में DOPT की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था 10 दिसंबर 2018 को, उसको डिट्टो फॉलो करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो इस आदेश के अनुसार यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी LTC के दौरान बाई एयर जर्नी करता है तो उसको जो जर्नी है वो सिर्फ जो ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं जैसे कि बॉमर बॉमर और लॉरी है और अशोक ट्रेवल्स और टूर्स और IRCTC, इनके थ्रू ही अपना टिकट उन्हें बुक करना। यदि वो किसी प्राइवेट एजेंट से या फिर कहीं थर्ड पार्टी से टिकट बुक करते हैं तो उन्हें LTC का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप LTC अवेल कर रहे हैं तो टिकट बुकिंग करते समय ज़रूर ध्यान रखें आप इस बात का, या तो आपको जो ऑथराइज एजेंट हैं उनकी वेबसाइट से या फिर उनके काउंटर से या फिर डायरेक्ट जो भी एयरलाइन है उसकी वेबसाइट से आपको टिकट बुक करना है। आप किसी थर्ड पार्टी से टिकट बुक करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का LTC बिल का रिइम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में जो चौथी खबर है वो हमारे रेलवे के जो खास तौर से जो रनिंग स्टाफ है जिसमें आता है जो TT है, टिकट चेकिंग स्टाफ, उनको भी अब यहाँ पर बाकी रनिंग स्टाफ जैसे कि लोको पायलट्स, गार्ड हैं, उनकी तरह यहाँ पर रनिंग अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और इसके संबंध में NFIR की तरफ से जो रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जो मेंबर हैं ट्रैफिक मेंबर, उनको लेटर लिखा गया है। और इसमें लेकिन जो टिकट चेकिंग स्टाफ है उसको भी बाकी जो रनिंग स्टाफ है उसकी तरह रनिंग अलाउंस भुगतान करने का रिक्वेस्ट किया गया है। और इसमें जब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही रेलवे बोर्ड के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे क्योंकि पहले सभी जो रेलवे का रनिंग स्टाफ था, खासतौर से जो टिकट चेकिंग स्टाफ था, इसको रनिंग अलाउंस का भुगतान किया जा रहा था लेकिन इसको कुछ समय के बाद में रेलवे ने बंद किया कर दिया है। और दोबारा से ये डिमांड अब उठाई जा रही है कि रेलवे जो टिकट चेकिंग स्टाफ है उसे भी रनिंग स्टाफ की तरह ही रनिंग अलाउंस का भुगतान किया जाए। तो दोस्तों, ये इस वीडियो की चार ताज़ा खबरें, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।